वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO गुरुवार 18 अप्रैल को खुलने वाला है। 18,000 करोड़ रुपए का ये FPO अब तक का सबसे बड़ा है, तो इसे लेकर चर्चा भी खूब हो रही है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इस इश्यू के लिए कंपनी ने जो प्राइस बैंड फिक्स किया है वो इसके मौजूदा भाव से 17-29% के डिस्काउंट पर है। इसके शेयर अभी BSE पर 12.92 रुपए के भाव पर हैं। वहीं इश्यू के लिए प्राइस बैंड 10-11 रुपए है। हाल ही में कंपनी के प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप ने प्रेफरेंशियल इश्यू के तहत 14.87 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इसमें 2,075 करोड़ रुपए डाले थे। वोडा आइडिया के FPO में निवेश को लेकर एक्सपर्ट्स की राय जानने से पहले ये जान लीजिए कि कंपनी ये इशू लेकर क्यों आई है। कंपनी की योजना डेट और इक्विटी के जरिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की है और ये FPO इसी का एक हिस्सा है। इसे बकाया चुकाने और घाटा कम करने के लिए लाया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के शुरुआती 9 महीने अप्रैल-दिसंबर 2023 में वोडा आइडिया को 23,564 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा हुआ था। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस पर 2.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा कंपनी पर स्पेक्ट्रम का 58,254 करोड़ रुपए बकाया है। इस इश्यू के तहत सिर्फ नए शेयर जारी होंगे। इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NIIs और बाकी 35% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है। FPO से मिले 12,750 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नेटवर्क इंफ्रा का विस्तार करने के लिए इक्विपमेंट की खरीदारी में होगा। इसके तहत ये 4G साइट्स बढ़ाएगी और नए 5G साइट्स भी बनाएगी। इसके अलावा FPO के 2175.31 करोड़ रुपए का इस्तेमाल स्पेक्ट्रम के बकाया को चुकाने में होगा। वोडाफोन आइडिया FPO में पैसा लगाए या छोड़ दे। वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ रुपए का FPO अगर सफल रहा तो वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कंपनी के लगातार घाटे, नकदी संकट के साथ साथ रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से ज़्यादा कंपटीशन के चलते एनालिस्ट ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। मेहता इक्विटीज़ के प्रशांत तापसे का कहना है कि जियो और एयरटेल से कंपटीशन में ये लगातार अपने सब्सक्राइबर्स गंवा रही है और इसका घाटा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते FPO में पैसा लगाने से बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर FPO पूरा भर जाता है तो इससे कंपनी को काफ़ी वित्तीय राहत मिलेगी। इससे कंपनी को अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से निवेश और विस्तार करने में और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में मदद मिलेगी। पेस 360 के कोफाउंडर और चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट अमित गोयल ने भी निवेशकों को इस FPO से दूर रहने की सलाह दी है। अमित के मुताबिक मार्केट इस समय काफ़ी ओवरवैल्यूड है और वैल्यूएशन काफ़ी महंगा। अमित का कहना है कि FPO से पैसा मिलने पर वोडाफोन आइडिया को अपने नेटवर्क कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने, 4G कवरेज में असमानता को कम करने और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चुनाव के बाद टैरिफ में बढ़ोतरी और AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में राहत की उम्मीदों के चलते इसके कैश फ्लो की स्थिति सुधर सकती है। स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी नैती का कहना है कि नियर टर्म में वोडाफोन आइडिया के ट्रैक पर आने की गुंजाइश अनिश्चित दिख रही है। ऐसे में FPO में पैसा लगाने से पहले निवेशकों को इस पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। शिवानी के मुताबिक FPO को सफल होने पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है। रिस्क की बात करें तो इसके यूजर्स लगातार घट रहे हैं और 2026 में जब $400 करोड़ का स्पेक्ट्रम और AGR बकाया देना होगा तो इसकी वित्तीय सेहत डामाडोल हो सकती है।